स्टूडेंट्स, मैं हूं शहबाज हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की सब्स्टिट्यूशन मेथड, ग्राफिकल मेथड और एलिमिनेशन मेथड के बारे में पढ़ा था। आज हम अगली मेथड यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में पढ़ेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है, तो आइए देखते हैं वो स्टेप्स कौन कौन से हैं। सपोज दैट हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू जीरो और सेकंड पेयर a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू जीरो है। तब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से इसे सॉल्व करने के लिए हम स्टेप वन में एक्स, वाई और वन को इस प्रकार से लिखते हैं। एक्स के लेफ्ट में वाई वेरिएबल के जो कॉफिशियंट हैं दोनों इक्वेशंस में उनको लिखते हैं b1, b2, राइट में कांस्टेंट टर्म c1, c2 और वाई के राइट में एक्स के कॉफिशियंट a1, a2 और जो हमने वन लिया है कांस्टेंट उसके राइट में दोबारा से y के कोफिशियंट b1 b2 लेते हैं। अब हमें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस प्रकार से। क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद हमारे पास हमें प्राप्त होगा x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1। सिमिलरली y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। स्टूडेंट, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो हमें एक वैल्यू प्राप्त होगी x, y और ये जो तीन हमारे पास टर्म आ रहे हैं ये एक कांस्टेंट वैल्यू देंगे और ये जो कांस्टेंट हमें प्राप्त होगा वो सेम प्राप्त होगा, इसलिए हमने बीच में इक्वल लगाए हैं। तो अब यहां पर हमें अगर एक्स या वाई की वैल्यू चाहिए तो हम इस प्रकार से प्राप्त करेंगे। तो एक्स अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। यानी कि एक्स की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को कंपेयर करेंगे और यहां से एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू हमें प्राप्त होगी एक्स इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ तो हमें प्राप्त होगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। तो यहां से हमें एक्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से वाई की वैल्यू के लिए हम सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को का कंपेयर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा वाई अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। सो वाई इक्वल टू आ जाएगा c1 a2 माइनस a1 c2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा c1 a2 माइनस a1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। तो इस प्रकार से हमारे पास x और y दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल की हेल्प से जानेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास पेयर है 8x + 5y = 11 और सेकंड इक्वेशन है 3x - 4y = 10। तो यहां पर हमें देखना है कि जो हमें इक्वेशंस दे रखी हैं वो ax + by + c = 0 के फॉर्म में है या नहीं, और अगर नहीं है तो हम उनको कन्वर्ट करेंगे। यहां पर देखें इक्वल टू के बाद हमारा जीरो नहीं है यानी कांस्टेंट टर्म यहां पर दे रखा है, तो सबसे पहले हम इनको कन्वर्ट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हमारे पास क्या आएगा 8x + 5y माइनस 11 इक्वल टू जीरो एंड 3x माइनस 4y माइनस 10 इक्वल टू जीरो। यहां से हमारे पास जो कॉफिशियंट और कांस्टेंट टर्म है वो क्या प्राप्त होंगे, हमारे पास आएगा a1 इक्वल टू 8, b1 इक्वल टू 5
सी वन इक्वल टू माइनस इलेवन, इसी प्रकार से ए टू इक्वल टू थ्री, बी टू इक्वल टू माइनस फोर और सी टू इक्वल टू माइनस टेन। अब हमें इनकी हेल्प से एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करना है। तो हम पहले स्टेप में ठीक पहले की तरह लिखेंगे एक्स वाई और वन। एक्स के लेफ्ट में वाई के कॉफिशियंट्स यानी बी वन और बी टू की वैल्यू को लिखेंगे, तो फाइव और माइनस फोर आ गया, बी वन फाइव है और बी टू माइनस फोर है। ठीक इसी प्रकार से लेफ्ट राइट साइड में हमारे पास आएंगे कॉस टेन टर्म यानी माइनस इलेवन माइनस टेन, फिर एक्स के कॉफिशियंट ए वन ए टू यानी कि एट और थ्री, और राइट में कॉफिशियंट ऑफ वाई यानी कि फाइव और माइनस फोर। अब हमें इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस प्रकार से, तो हमें क्या प्राप्त होगा, x अपॉन फाइव इंटू माइनस टेन माइनस माइनस फोर इंटू माइनस इलेवन इक्वल टू y अपॉन माइनस इलेवन इंटू थ्री माइनस माइनस टेन इंटू एट इक्वल टू वन अपॉन एट इंटू माइनस फोर माइनस फाइव इंटू थ्री। तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स अपॉन टेन फाइव जा फिफ्टी, इलेवन फोर जा फोर्टी फोर और माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर आएगा माइनस का फोर्टी फोर इक्वल टू वाई अपॉन इलेवन थ्री जा थर्टी थ्री, टेन एट जा एट्टी और माइनस और ये माइनस प्लस यानी प्लस का एट्टी इक्वल टू वन अपॉन एट फोर जा थर्टी टू माइनस फाइव थ्री जा एट फोर जा थर्टी टू फाइव थ्री जा फिफ्टीन। अब एक्स अपॉन माइनस फिफ्टी और माइनस फोर्टी फोर माइनस का नाइन्टी फोर इक्वल टू वाई अपॉन एटी माइनस थर्टी थ्री प्लस एटी, हमारे पास आएगा माइनस का प्लस का फोर्टी सेवन इक्वल टू वन अपॉन माइनस थर्टी टू और माइनस फिफ्टीन, हमारे पास आ जाएगा माइनस का फोर्टी सेवन। अब यहां पर एक्स की वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम लिखेंगे एक्स अपॉन माइनस नाइन्टी फोर इक्वल टू वन अपॉन माइनस फोर्टी सेवन, जिससे हमें प्राप्त होगा एक्स इक्वल टू माइनस नाइन्टी फोर अपॉन माइनस फोर्टी सेवन। माइनस फोर्टी सेवन से नाइन्टी फोर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास टू आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से y की वैल्यू प्राप्त करने के लिए y अपॉन फोर्टी सेवन इक्वल टू वन अपॉन माइनस फोर्टी सेवन लेंगे और यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल टू आएगा हमारे पास फोर्टी सेवन अपॉन माइनस फोर्टी सेवन इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। तो यहां से हमारे पास सॉल्यूशन क्या आए, x इक्वल टू टू और y इक्वल टू माइनस वन। तो स्टूडेंट इस प्रकार से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड की हेल्प से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिए। जो नए व्यूवर्स हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली सारी की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।